आज हम लोग काइनेमेटिक्स पार्ट टू पर बात करने वाले हैं। ये काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस पर जो रिसेंटली जेई मेन, जेई एडवांस और नीट में पूछा हुआ है। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया, एक छोटा सा असाइनमेंट बना करके मैंने आपको ये लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप उसको डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। उसी पर हम लोग टोटल बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा फ्लैश बैक करा देता हूँ कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि काइनेमेटिक्स होता क्या है, पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनके बीच में रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। बेसिक चीज़ों पर हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। बेसिकली ये छह चीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे समझने वाली बात है ना, जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि एवरेज किसको कहते हैं और इंस्टेंटेनियस किसको कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप याद रखना कि एवरेज उसको कहते हैं जो पीरियड ऑफ टाइम पर डिपेंड करता हो, मतलब किसी इंटरवल पर डिपेंड करता हो, जैसे एक से दो घंटा, ठीक है ना, दो से चार घंटा, ये दो से चार घंटा एक इंटरवल हो गया, दो बजे से चार बजे तक ये एक इंटरवल हो गया, ठीक है, कि मतलब आपने कुछ ड्यूरेशन दिया, ये इंटरवल हो गया। लेकिन एग्जैक्टली दो बजे, एग्जैक्टली दो बज के दो मिनट, एग्जैक्टली दो बज के दो मिनट दो सेकेंड पर क्या हो रहा था, तो ये एक इंस्टेंटेनियस हो गया। तो एवरेज किसको कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम पर जो डिपेंड करता है उसको हम लोग एवरेज क्वांटिटी कहते हैं, और जो पॉइंट ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है उसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल, जैसे 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 हम लोग ये गाड़ी होता है ना, गाड़ी में तो इसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है, तो स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल गिव्स द इंस्टेंटेनियस या एवरेज। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है या एवरेज स्पीड देता है? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। क्यों? कि जैसे आप एक्सीलरेटर डालते हो ना, तो वो फटाफट आगे और पीछे होता है ना, तो वो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डिपेंड। ऐसा नहीं होता है कि आप एक्सीलरेटर को आधा घंटा घूरते हो तब आप बताते हो, नहीं, आपने देखा तुरंत बताया, ठीक है। तो आपने देखा, एक इंस्टेंट में देखा कि इतना स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो आपको उसको 5 मिनट तक देखना नहीं पड़ता, 5 मिनट तक घूरते नहीं रहना पड़ता, आपने विद इन अ सेकेंड देख करके आपने बता दिया कि उसकी रफ्तार क्या है। तो स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन सब बातों को लिख लेना। एवरेज क्वांटिटी का मतलब पीरियड ऑफ टाइम, और इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ टाइम, और स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो चलो मैं कुछ छोटे छोटे बात पॉइंट पर बात कर लेता हूँ। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, हम लोग इसको कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। और फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और फिर एक एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए हम लोग लेते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसी का एक और चीज़ आ जाएगा इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस को हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt, कुछ याद आ रहा होगा। dx अपॉन dt को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। इसी में आप लगा दो तो मतलब वेलोसिटी भी कहना कोई बुराई नहीं है, खाली वेक्टर लगा देना होगा। तो यहाँ भी आप इसको dx बाई dt लिख सकते हो, अगर आप वेक्टर लगाना चाहो तो यहाँ भी वेक्टर लगा दो। सिमिलरली यहाँ से अगर आप एवरेज से इंस्टेंटेनियस बनाओगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों मैं बता रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इन दोनों को मैंने एक इसलिए कहा क्योंकि स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल का अगर आप एग्जांपल लो तो वो गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आपने डायरेक्शन बता दिया, जैसे सपोज दैट आप जा रहे हो कहीं, आप को किसी ने पूछा कि गाड़ी कितने से चल रही, तो आपने बताया 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन 90 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी है, तो जैसे आपने डायरेक्शन बताया तो वो क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। तो इस बात पर ध्यान रखना है। तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, तो इससे पता ये चला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट।
अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में रिलेशन निकालना चाहें तो इसमें क्या रिलेशन आएगा, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। कारण क्योंकि एक सिर्फ वेक्टर का फर्क है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, 90-90 दोनों बोलेगा, लेकिन एक 90 बोलेगा जैसे सपोज करो कि वो अशोक राजपथ पर चल रहा है, तो एक बताएगा टुवर्ड्स गांधी मैदान, तो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, और एक सिर्फ बताया कि 90 किलोमीटर, तो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये फर्क है। दो और चीज़ें हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो आप ध्यान दो कि एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये पिछले लेक्चर में बात किया था, आप जरूर देख लेना। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एवरेज स्पीड में जो गुण आएगा, जो कैरेक्टर आएगा, वो किसका आएगा, डिस्टेंस का आएगा। यानी एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एक और बात, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डेल्टा एक्स, हाँ ठीक था, डेल्टा एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वो भी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दो रिलेशन है, इन दो रिलेशन को याद रखें कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मैं दिखलाता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है एक सेमी सर्कुलर पाथ पर। थोड़ा गौर से समझना है, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, एक पार्टिकल है जो सेमी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, वो ए से बी आता है इस पाथ से, ठीक है, वो ऐसे वाया सी, ए से बी आ रहा है वाया सी, और इसका जो रेडियस है वो सपोज करो कि आर है, ठीक है, और ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप हमें डिस्टेंस बताओ एक नंबर में, और दो नंबर में कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। तो वेरी सिंपल, पूरा चक्कर कितना होता है, एक पूरा सर्कल कंप्लीट कितना होता है, 2πr, तो ये आधा है ना, तो आप क्या कहोगे सर डिस्टेंस इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, कितना, πr। सिमिलरली अगर आप डिस्प्लेसमेंट पूछो तो आप क्या बोलोगे, सर हम a से b आए, तो a से b डायरेक्टली ना, तो कितना, ये भी r और ये r, कितना, 2r, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 2r। तो आप सोचोगे इसमें कौन सी क्रांतिकारी क्वेश्चन ऐसा जो आप पूछ लिए, ये क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक दिया हुआ उसको डाउनलोड करो और देखो, उसमें क्वेश्चन ये मिल जाएगा, ये IIT में पूछा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत पहले पूछा हुआ है लेकिन IIT में पूछा हुआ है। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक बार ये पूछा है, फिर दोबारा पूछा उन्होंने, क्या किया, ये पहला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स में, ये दोनों था। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है IIT का ही, ये 1999 का है, तो IIT में पूछ रहा है कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो 1 सेकंड लगता है, कितना, 1 सेकंड, एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 मीटर। तो आपसे कहा गया कि एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, तो यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप क्या लिखोगे कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r, तो हम लोग लिखेंगे कितना, 2r, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना, 1 सेकंड, मतलब 2r हो गया, और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, तो कितना हो गया भाई, 2 मीटर पर सेकंड। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, आप निकाल करके देख लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप उसको डाउनलोड अभी डाउनलोड करो और उसमें क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। तो ये 2 मीटर पर सेकंड, ये भी क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ था, ये IIT में पूछा हुआ दो दो बार, ठीक है। चलो मैं एक और कुछ अलग फ्लेवर का क्वेश्चन दिखाते हैं, ये तो आसान। अच्छा, इसमें ये भी हम कर सकते हैं कि
इसको कंप्लीट सर्कल बना दें, 2, 4, 5, 10, 20 चक्कर लगाएं और फिर हम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछें तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो मैं इन सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर लिखे नहीं हो तो इसको पॉज करो, लिख लो, ठीक है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो टोटल क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है वो मूव करता है, सपोज करो ए से बी जाता है, ये पूरा डिस्टेंस एस का है, पूरा डिस्टेंस एस का है, बट ये बंदा आधा दूरी तय करता है, यानी S1 हम कह सकते हैं, ये S/2 चलता है और फिर S/2 चलता है। ये जो चलता है मतलब पहला जो जर्नी S/2 है आधा, मतलब मैंने इसको पूरे S को दो पार्ट में बांट दिया, S/2 कर दिया। ये S/2 जो पहला चलता है, पहला हाफ फर्स्ट हाफ, तो वो चलता है V1 से एंड सेकेंड हाफ वो V2 से चलता है। तो आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। फिर से क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस एस आधी दूरी तय करता है कितने से, V1 से, सेकेंड हाफ कितने से, V2 से। तो आपसे कहा गया एवरेज स्पीड कितना होगा, तो यू नो एवरेज स्पीड इज व्हाट, एवरेज स्पीड वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड इज व्हाट, तो एवरेज स्पीड आप क्या कहोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, तो एस, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि अभी मैं बोल रहा था S1 और इसको S2 बोल देता हूँ, तो आप क्या कहोगे सर, S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना, यहाँ से यहाँ तक T1 और इसको मैं मान लेता हूँ T2। तो अब देखो S1 कितना है, तो S/2 प्लस S/2, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे S, बट समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब T तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यू नो आप जानते हो S=VT होता है, यानी T = आपका कितना हो जाएगा, S/V, ये इस फॉर्मूले के मदद से, यानी T=S/V, तो S/V हम लोग अगर T1 निकालेंगे तो आप क्या कहोगे, S1 by V1, तो S/2 V1 प्लस S/2 V2, S1 S2 दोनों बराबर है, इन दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर S हो जाएगा, यहाँ S/2 आप कॉमन लोगे तो 1/V1 प्लस 1/V2, S कट जाएगा, इस 2 को ऊपर भेज दो आप, ठीक है मैं इधर आ रहा हूँ, इस 2 को अगर ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2, और हम LCM भी लेंगे तो V1 V2 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी हमारा एवरेज स्पीड कितना आ गया, 2 times V1 V2 / V1 प्लस V2। ये क्वेश्चन आपको AIPMT 2011 में पूछा हुआ है, ये टोटल आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ ये असाइनमेंट में आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको भी पॉज करो, लिखो, मैं अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, जो इधर रिसेंटली आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं उसी पर आ रहा हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, खाली बेसिक बातों पर ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, हो सकता है ये टाइम दे दे, ठीक है, कुछ और भी कर दे, 3 पार्ट में बांट दे, S1 S2 S3, ठीक है, और ये तीनों जर्नी अलग अलग हो, 4 कर दे, 5 कर दे, उसे कोई लेना देना नहीं है, बस बेसिक फंडामेंटल कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैं कुछ रिसेंटली कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 NEET 2016, इसके बाद हम लोग जेई मेन पर बात करेंगे, ठीक है। तो NEET 2016 में पूछा हुआ है, और इसमें कह रहा है इफ़ दी वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज V = मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तो इसमें दिया हुआ है कि V = AT + BT² वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, देन दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी पार्टिकल इन बिटवीन 1 और 2 सेकेंड के बीच में, इसने डिस्टेंस कितना, 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे। तो V = AT + BT² दिया हुआ, और आपसे पूछ रहा है S इज व्हाट, और कहां से कहां तक, 1 to 2 सेकेंड, ये आपका NEET 2016 में पूछा हुआ है। अब ध्यान देना है,
कि क्वेश्चन में v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, और s इज वॉट, मतलब डिस्टेंस आपसे पूछा है कब, 1 से 2 सेकंड के बीच में। तो यार एक चीज़ बताओ कि अगर पोजिशन रहता है तो पोजिशन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, गुड, और फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ना वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, पोजीशन पूछा है, मतलब उल्टा जाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करके हम आगे बढ़ते हैं, तो इंटीग्रेट करके पीछे आते हैं। ऐसे भी आपको पता होगा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, गुड। तो आप अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आगे बढ़ोगे, तो उल्टा इंटीग्रेट करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। तो यू नो, आप सबसे पहले देखो वी होता क्या है, तो भाई वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये इंस्टेंटेनियस है, टाइम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वाला आपको मैंने लिखाया था, वो पूरा आप लिस्ट देख लो। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, आप क्या कहोगे सर, ए टी प्लस आपका बी टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी डी टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा डी एक्स का एक्स, ए बाहर कॉन्स्टेंट है, टी का टी के रेस्पेक्ट में, यू नो आपको फॉर्मूला याद होगा कि अगर इंटीग्रेशन x टू डी पावर n dx है तो आप क्या लिखते हो, x टू डी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यार बायो वाले को ये सब बड़ी परेशानी होती है, वो बेवजह वो परेशान रहता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से वो परेशान रहता है। भाई बहुत आसान होता है, एकदम सिंपल होता है, इसको बस एक बार ढंग से समझ लो, आराम से हो जाएगा, आप आराम से डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, कोई बड़ा लफड़ा नहीं है, ठीक है। आज के डेट में क्वेश्चन एकदम इजी आ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो 45 में 45 बना करके आओगे, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से घबराना नहीं है, बेसिक बात है, ठीक है। तो चलो यार, x इज इक्वल टू कितना, a बाहर आ गया टी का, टी के रेस्पेक्ट में, तो टी स्क्वायर बाय टू, हम लिमिट अभी पुट नहीं किया, पुट करेंगे, b बाहर हो गया तो टी क्यूब बाय थ्री, अब लिमिट पुट करते हैं। तो अब देखो 1 से 2 है, तो हम पहले 1 रखेंगे फिर 2, अब लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, तो 1 से 2, ये 1 से 2 पुट करो, तो पहले 1/2 बाहर करते हैं, ए बाहर है ही, तो पहले 2 का स्क्वायर 4 - 1 प्लस 1/3 आपका बी, अब 8 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 तो ये हो जाएगा 3/2 ए, अब प्लस 8 - 1 7/3 बी, ये हमारा ऑप्शन आ गया किसका, पोजीशन का, x इज इक्वल टू 3/2 ए प्लस 7/3 बी, और ये हमें ऑप्शन मिल रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ए नंबर मिल रहा है। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या किया मैंने, खाली इंटीग्रेट किया, और ये 2016 में पूछा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप इसको ट्राई करना, जो नहीं बनेगा आप मुझसे पूछना, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा।